अस्सलाम वालेकुम जी, शुएब आरिफ के साथ छोटा सा व्लॉग। और हम लोग इस वक्त आए हैं अवाब भाई जो के क्यू मेकर हैं और रीटिपिंग के लिए आए हैं। मैं और मियाँ साहब आज हमने प्रो स्नूकर का ऑफिस कुछ 4 सालों बाद ताला खोला है और टेबल को ज़रा साफ सुफ किया, गेम खेलें थोड़ी सी ताकि कोई टाइम अच्छा स्पेंड करें। लें जी, अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रीटिपिंग होती है और मियाँ साहब को भी दिखाते हैं। मियाँ साहब आज बारिश वाले माहौल में हमारे साथ हैं तो अवाब भाई का आज टिप लगाने का स्टाइल चेक करते हैं। जी जी अवाब भाई, खोलें क्यू, कौन सा क्यू आया जी आपके पास? ले जी, ये मियाँ साहब के 2 क्यूज हैं, एक जॉन पेरिस प्रोफेशनल है, जॉन पेरिस है जी प्रोफेशनल, इसको रीटिपिंग करेंगे, और एक मेरा ख्याल मास्टर का क्यू, मास्टर का प्रोबर्ट, मास्टर का प्रोबर्ट है जी। लें जी, ये निकल रहा है और अभी अवाब भाई इसको जब रीटिप करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे। ये अवाब भाई का चेहरा देख लें। अवाब भाई अपना एड्रेस जरा बता दें, कहाँ पे हैं जी? ये लालपुर पे, मोगलपुर वाले साइड पे मेरी वर्कशॉप है। ठीक है, यानी कि आपका कांटेक्ट नंबर अगर दे दिया जाए तो आप लोकेशन भेज के लोगों यहाँ भी। ये देखें जी, क्यूज़ बनाते हैं, इनके पास क्यूज़ का बड़ा अच्छा स्टॉक पड़ा हुआ है और मशीनरी भी बड़ी अच्छी है इनके पास। ये देखें, काफ़ी खराद पड़े हुए हैं और ये अंदर भी इनके पास काफ़ी क्यूज़ पड़े हुए हैं। टिपें चेक कर लो जी। और ये मियाँ साहब कौन सी टिप आप लगवा रहे हैं जी? ओमिन का भी टिप, ये तो आप अपने ही खजाने से निकाल रहे हैं जी। जी नहीं जी, ये मियाँ साहब के देखते हैं जी, रेड कलर की टिप है जी, ये वाली टिप चेक करके लगाएंगे। और दूसरी मेरा एल्क मास्टर है जी, एल्क मास्टर या वाबा के पास वो वाली है, कौन सी? G3 G4 भी है। ठीक है जी, ये अवाब भाई के पास जो टिप्स का ख़जाना है, ये कौन सी? G4 है जी। जी जी, सेंचुरी की टिप है जी, G4, ये बाहर आई है, ये भाई साहब को दिखाएंगे। नहीं जी, भाई साहब चेक करें। और टिप को आप पहले क्या करेंगे जी? अवाब भाई रेगमान मार के थोड़ा, ये G3 है, ये G3 भी है जी भाई साहब, ये एक G3 है और एक G4 है। नहीं जी, ये अवाब भाई ये क्यू को अपनी लेथ मशीन के अंदर यहाँ से क्यू बाहर आ रही है और यहाँ पे इसकी रीटिपिंग होगी। थोड़ा सा काम भी है इसका, क्यू का एक छोटा सा बट के ऊपर निशान है, वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन वो मैं आपको इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा। ये देखें जी, ये किस तरह से लग रही है अंदर, ये मशीन के अंदर टिप फिट हो गई है और अब इसकी रीटिपिंग, मशीन चल पड़ी है। हाजी साहब अपनी हमेशा की तरह क्यूज़ का काम तसल्ली बख्श करवाने के लिए खुद आए हैं। पहले मशीन का बैलेंस कर रहे हैं ताकि क्यू जो है वो टूल लगा के वाह भाई, ये जो टिप आप जिसको सैंड पेपर लगा रहे हैं, ये जॉन पेरिस के लिए? ये जॉन पेरिस के लिए, जॉन पेरिस के लिए लग रही है जी। ठीक है, और दूसरी G4 लगेगी मास्टर प्रो बट, प्रो बट ठीक हो गया जी। टिप रख के तो उसका सेंटर किया जा रहा है, G4। ये मशीन को इन्होंने पहले ऑयलिंग की है ये मशीन की ताकि वो चल सके, और ये एल्फी लगाई जा रही है इस वक्त टिप के ऊपर। अब आप भी अच्छे क्यों की क्या पहचान है? काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? शुएब भाई, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है शाफ्ट की जो क्यू की शाफ्ट होती है ना, वो खुद बोलती है कि यार मेरी क्या क्वालिटी है। सही, एरो वाइज के हिसाब से ये एल्फी लगाई जा रही है जी। कट ही पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि क्यू के एरो किस तरह के हों तो क्यू अच्छी और मजबूत होती है, या लाइनिंग कैसी होनी चाहिए? लाइनिंग
स्ट्रेट होनी चाहिए, एरो स्ट्रेट होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए, शाफ्ट में थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए, यानी कि शाफ्ट को बेंड करें तो बेंड ना हो, ना हो। और दूसरा ये बताएं कि एरो ज़्यादा वाली लकड़ी अच्छी होती है या कम एरोज वाली? भाई इसमें जो सा ना एरो ज़्यादा भी हों तो अच्छे हैं, मैक्सिमम जो सेवन एट, सेवन एट इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक हो, ठीक है जी, अभी आपको साथ साथ बता रहे हैं जी। ये ग्लू टिप के ऊपर डाल दिया गया है और ये अब इसकी टिपिंग होगी। क्यों के पीछे आप लेदर लगाते हैं मशीन में ताकि उसका वो डैमेज ना हो, डैमेज वुड गन में। अब आप इसको पुश करेंगे जी, ये पुश कर दिया जी। इसको कहते हैं वेट, वेट जो लेथ मशीन का वेट होता है वो वाला वेट लगा के उसको मैं आपको प्रेस कर। दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, प्रेस किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका क्या कर रहे हैं जी, एक्स्ट्रा ग्लू जो जो एक्स्ट्रा ग्लू बाहर आ जाता है उसको आप क्लीन कर रहे हैं। ओके, ये जी टिप की शेप तैयार हो रही है। मशरूम के नट बना दें बस, थोड़ी सी मशरूम ऐसा मशरूम करनी, थोड़ी गोल लगो, चेक करना, अदरा चेक करो जी, ये और बना दें, इन्नी मशरूम काफ़ी है। हाँ बहुत है, ठीक हो गया। हाँ ओके ओके हो गया जी, ये टिप तैयार है। और अवाब भाई क्यूज़ जो आप बना रहे हैं जी जी, ज़रा वो तो दिखाएं कौन से आपके आप ब्रांड, ये क्यों आपने रिसेंटली बनाया? ये रिसेंटली बनाया अवाब क्यूस जी। ये जी बड़ा अच्छा क्यू लग रहा है और बड़े खूबसूरत आ रहे हो। इसके कितने एमएम की इसके लगी हुई है जी टिप? ये उन्होंने 9.5 एमएम की रिक्वायरमेंट रखवाई है, 9.5 एमएम में तैयार की है आपने, और 57 इसकी लेंथ रखवाई है, ठीक है, और 18 इसका वेट है। अवाब भाई ये तकरीबन कितने पैसों की क्यू तैयार करते हैं आप? ये मैंने दी हुई है 35 में, 35,000 में जी। और ये आपकी किस लेवल की क्यू है, जैसे अल्टीमेट भी आती हैं और आम क्यूज़ भी आती हैं बाकी की, तो इसका स्टॉक या ये शेप भाई जो मेरा क्यू यूज़ कर रहे हैं ना, तो
तो उनको पता है ये अल्टीमेट के जोड़ की क्यों है, उसके लेवल का क्यों, उसका लेवल का क्यों। पैसे बड़े मुनासिब हैं, 35,000। सर चीज़ भी अच्छी होगी। और अगर कोई आके कहे जी शुएब आरिफ ने भेजा, सर मैं डिस्काउंट कर दूँगा। चले ठीक है जी, थैंक यू। टिप ला गई है जी हमारी, बाहर भी आ चुकी, ये मशीन में अभी ये बाहर आ गई, अब दूसरी को लगवाएंगे। लें जी अपने भाई शुएब आरिफ को इजाज़त दें, और इंशाल्लाह इस तरह के छोटे मोटे व्लॉग्स आपको दिखाता रहूँगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।